हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। आई एम अक्षय शर्मा एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फेयर्स एंड टाइप ऑफ मेटेलिक आयन्स। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं व्हाट इज लिगेंड। लिगेंड होते हैं कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर आयन्स विच सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स। अब जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स होंगे, या वो न्यूट्रल हों या फिर माइनस चार्ज कैरी करते होंगे, तो उनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे कि पिछले एग्जांपल में कोबाल्ट सेंट्रल एटम है और उसको घेरे रखेगा NH3, तो NH3 यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ। और इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर CN वो निगेटिवली चार्ज लिगेंड था। तो इस तरीके से सेंट्रल एटम को घेर कर रखने वाले कंपाउंड्स को हम लिगेंड्स बोलते हैं। ये जो लिगेंड्स हैं ना, कई तरीके के कई पार्ट्स में हम इनको सब डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि पहला है मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसके मोनोडेंटेट लिगेंड वो होगा जो सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। बाइडेंटेट, बाई मीन्स टू, तो जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर दो साइड से जुड़ सकता है सेंट्रल एटम से, उसको बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसके साथ टेट्राडेंटेट लिगेंड, जो कि चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर चार अलग अलग तरीके से जुड़ जाएगा, उसको टेट्राडेंटेट बोलते हैं। और हेक्साडेंटेट में छह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लिगेंड होंगे। और पॉलीडेंटेट एक जनरल टर्म यूज़ कर ली जाएगी सबके लिए, मतलब कि जो मोनोडेंटेट है उसको छोड़ करके बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इन सब के लिए वर्ड पॉलीडेंटेट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चिलेटिंग एजेंट्स। ये चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? चिलेटिंग एजेंट वो कंपाउंड होते हैं जो के सेंट्रल एटम से जुड़ते हैं एक से ज़्यादा साइट से। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है ऑक्सलेट आयन C2O4 2 निगेटिव। तो यहाँ पर जो ये डाइडेंटेट ऑक्सलेट है वो दो साइट से जुड़ सकता है, इसको इसीलिए चिलेटिंग कंपाउंड बोलते हैं, जो चेन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके इन डेंटेट्स के बारे में या उनके एग्जांपल्स को कंसिडर करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है मोनोडेंटेट का। मोनोडेंटेट कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे H2O मॉलिक्यूल है वो एक ही साइड से जुड़ेगा, CN ये भी एक ही साइड से जुड़ेगा, और जो NH3 है वो भी एक ही साइड से जुड़ेगा। इसके अलावा NO2 निगेटिव, HCN निगेटिव, OH निगेटिव और X हेलोजन्स, ये सब कंपाउंड्स हैं जो कि मोनोडेंटेट यानी एक ही साइड से जुड़ेंगे। एग्जाम्पल है कोबाल्ट का NH3 के साथ, जो NH3 का मॉलिक्यूल है वो एक ही साइड से जुड़ेगा थ्रू नाइट्रोजन। तो इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए। इनको हम पर्टिकुलर आगे चल के और डिटेल में समझ लेंगे, पर फिलहाल हमें सिर्फ यहाँ मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है वो समझना है। इसी तरह से बाइडेंटेट लिगेंड या फिर डाइडेंटेट बोलते हैं, इसमें क्या बताया, जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उनको बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हुआ ऑक्सलेट का C2O4 2 निगेटिव, तो इसमें जो ऑक्सलेट है वो दो अलग अलग ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाता है सेंट्रल मेटल एटम से। और इथाइलिन डायमीन एक और इम्पोर्टेंट बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला जो लिखा हुआ है NH2 CH2 CH2 NH2। NH2 ग्रुप कौन सा? एमीन का फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम है इथाइलिन और डाइअमीन। ये कंपाउंड भी जो अलग अलग नाइट्रोजन है वो लोन पेयर रखेंगे, और इन दो लोन पेयर्स की वजह से वो सेंट्रल एटम से जाकर के जुड़ता है अलग अलग साइड से, इसलिए चिलेटिंग इफेक्ट भी शो करता है और बाइडेंटेट लिगेंड भी बोला जाता है। एग्जाम्पल्स हैं CO इथाइलिन डाइअमीन का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, इस तरह से क्रोमियम और ऑक्सलेट का आयन, और आयरन NH3, और ऑर्थो फिनेथ्रोलिन इसका एग्जांपल है फिनेथ्रोलिन। ये स्ट्रक्चर दे रखी है इन लिगेंड्स की। जो पहला वाला है ऑक्सलेट आयन, इसमें जो C और C दो कार्बन हैं इनसे जुड़े हुए हैं, दो ऑक्सीजन इस तरफ हैं और दो ऑक्सीजन इस तरफ, उनके बीच में आपस में ये जो लाइन है डैश लाइन, ये इनके बॉन्ड्स दिखा रखे हैं। तो ये एक पेयर की तरह ये वर्क करेगा और एक पेयर की तरह ये वाला ऑक्सीजन वर्क करेगा, और ये जो स्टार लगे हुए हैं रेड कलर के वो साइट्स हैं जुड़ने की टू द सेंट्रल एटम।
और ये जो इथाइलिन डायमीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर NH2 इस तरफ दिखाए हुए हैं, डैश लाइन है इलेक्ट्रॉन के लिए, और रेड स्टार लगे हुए हैं, ये साइट्स हैं जो जुड़ेंगी जाकर के सेंट्रल एटम से। तो जो इथाइलिन डायमीन है वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है टू द सेंट्रल एटम। ये इनकी स्ट्रक्चर्स शो कर रखी हैं। ऑक्सलेट आयन के अंदर ये जो M है, M मेटल को डिनोट कर रहा है, मेटल आयन को, ये मेटल आयन से जुड़े हुए यहाँ और यहाँ, ये दो ऑक्सीजन हैं जो जुड़े हुए हैं, और ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं ये कार्बन हैं, और ये जो दूसरी रेड हैं ये दूसरे ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो इस तरीके से ऑक्सलेट आयन डाइडेंटेड लिगेंड जुड़ता है मेटल से। और इथाइलिन डायमीन वो किस तरह से जुड़ता है, ये जो मेटल है, मेटल आयन NH2 CH2 CH2 NH2 इस तरीके के मॉलिक्यूल हैं, और नाइट्रोजन साइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होते हैं, एक पेयर इधर से डोनेट होगा मेटल को और एक पेयर इधर से। तो इस तरीके से ये डाइडेंटेड लिगेंड की तरह वर्क करता है इथाइलिन डायमीन। अब ये एक स्ट्रक्चर बना रखी है, किसका मॉलिक्यूल है, CO इन होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। ये कोबाल्ट और इथाइलिन डायमीन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बीच में जो मोटा सा स्फेयर दिखा रखा है ये कोबाल्ट है, और ये स्मॉल स्फेयर्स जो हैं वो इथाइलिन डायमीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर तो इथाइलिन मॉलिक्यूल्स 3 हैं और यहाँ पर हमें 6 स्फेयर्स दिखा रखे हैं, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है कि ये जो दो रिबन से जुड़े हुए दिख रहे हैं ये बॉन्ड है इन दोनों नाइट्रोजन के थ्रू, ये जो रिबन दिखा रखा है ये कार्बन की चेन है। एक मॉलिक्यूल इथाइलिन डायमीन का इधर से जुड़ा हुआ है इन दोनों का, एक इथाइलिन डायमीन का मॉलिक्यूल इधर से जुड़ा हुआ है जहाँ पर रिबन हुआ हुआ है, और तीसरा इथाइलिन डायमीन इधर से जुड़ा हुआ है थ्रू नाइट्रोजन एटम्स। तो इस तरह से हम इथाइलिन डायमीन यानी कि जो डाइडेंटेट हैं इन जनरल उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बीच में तो हम सेंट्रल एटम लिखते हैं और साइड में लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू कितना कंपाउंड जुड़ा हुआ है, किस थ्रू मतलब कि किस एटम के थ्रू जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सेंट्रल एटम से कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर सेंट्रल एटम का है 6 ना कि 3। अब आते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। जो हेक्साडेंटेट लिगेंड्स हैं वहाँ पर 6 साइट्स होंगी जुड़ने के लिए टू द सेंट्रल एटम, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे जाएंगे बाय द लिगेंड। इसके लिए एग्जांपल है EDTA जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, E4 इथाइलिन, D4 डायमीन, T4 टेट्रा, A4 एसीटेट। ये स्ट्रक्चर है, CH2 COO का होल ट्वाइस, ये एसीटेट आयन है, दो एसीटेट आयन इधर, दो एसीटेट आयन इधर, तो ये हो गए टेट्रा यानी कि 4 एसीटेट आयन, और बीच में इथाइलिन डायमीन है NH2 CH2 CH2 NH2, और जो एमीन्स के हाइड्रोजन्स हैं उनको हटा करके उनको रिप्लेस किया गया है एसीटेट आयन के थ्रू। तो ये बन गया इथाइलिन डायमीन से ही बना है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एग्जाम्पल है FeEDTA1-, CO EDTA1-। इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इन सेंट्रल एटम्स का वो 6 रहेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए हैं थ्रू 6 डिफरेंट साइट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड शो कर रखा है EDTA का, जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है इन 3 जगह यहाँ पर लगा हुआ है और 3 जगह यहाँ पर लगा हुआ है, ये 6 साइट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं टू द मेटल एटम। ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है बॉन्ड किस तरह से बनता है, M बीच में सेंट्रल एटम है, आयरन या कोबाल्ट जो भी होगा, ये ब्लू वाले जो सर्कल्स हैं वो नाइट्रोजन शो कर रहे हैं, और जो रेड वाले स्फेयर्स हैं वो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ते हैं, और जो ब्लैक वाले हैं स्फेयर्स वो कार्बन एटम्स हैं, और जो डॉटेड लाइंस हैं ये हाइड्रोजन की हैं। तो जो मेटल एटम्स है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन, तो EDTA इस तरह से मेटल को घेर के रखता है एज लिगेंड। ओके स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है डॉटेड, बीच में कोबाल्ट का सेंट्रल एटम है और EDTA का मॉलिक्यूल हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन नीचे है। ये बॉन्ड इस तरह से बनते हैं, रिबन, ये इन दोनों के बीच में इस तरह से, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से, और बाकी दो नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप बना लेते हैं। तो इस कंपाउंड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6, सेंट्रल एटम कोबाल्ट, और 4 तो ऑक्सीजन एटम हुए और 2 नाइट्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल हुआ COEDTA होल 1 नेगेटिव का। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने समझा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है और लिगेंड क्या होते हैं और लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़ करके बाकी डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड या फिर हेक्साडेंटेड लिगेंड को हम पॉलीडेंटेड लिगेंड के फॉर्म में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, और यही कंपाउंड होते हैं जो चिलेटिंग इफेक्ट्स भी शो करते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप के लिगेंड होते हैं जिनको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में जो एम्बीडेंटेड का मीनिंग है वो समझ लेते हैं। एम्बी मीन्स होता है मोर देन वन, यानी कि दो तरह से, और डेंटेट यानी कि अटैचमेंट। तो जो लिगेंड्स एक से ज़्यादा यानी कि दो अपनी अटैचमेंट साइट रखेंगे, यानी कि जो NO2 है, एक तरीके से एग्जांपल लें अगर NO2 नाइट्रो मोलिक्यूल, तो वो नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम से और ऑक्सीजन के थ्रू भी। तो इसकी अटैचमेंट साइट्स दो हो गई हैं, एक नाइट्रोजन के थ्रू, एक ऑक्सीजन के थ्रू। तो इस तरह के लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। तो जब NO2 नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है तो हम इसका नेम लिखते हैं नाइट्रो, और अगर यही ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा टू द मेटल एटम तो हम नाम लिखेंगे इसका नाइट्रीटो। इसके अलावा SCN थायोसाइनेटो भी एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। अगर ये सल्फर के थ्रू जुड़ता है मेटल से तो इसका नाम होता है थायोसाइनेटो, और अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है तो NCS होता है आइसो थायोसाइनेटो ग्रुप। जो थायो वर्ड है वो सल्फर के लिए यूज़ होता है, जैसे हम नाइट्रोजन के लिए एजो वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हुआ एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसके अलावा पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। पॉली न्यूक्लियर मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम रखेंगे या दो सेंट्रल एटम बोल सकते हैं तो उनको पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। इस तरह के जो एग्जांपल हैं वो मेनली ब्रिज्ड कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कोबाल्ट का, यहाँ पर दो कोबाल्ट के मेटल एटम NH2 के ब्रिज बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। और अदर एग्जांपल आयरन का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो ब्रिज बॉन्ड बन रहा है वो OH और NO2, ये दो अलग अलग लिगेंड के थ्रू बन रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट।